हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीओडी के टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो क्या आपको दूध पीना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट जो डेयरी प्रोडक्ट है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेते भी हो तो कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी पीसीओडी में मैंने कैसे प्रेगनेंसी कंसीव किया। उसमें आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कॉमेंट किया था कि मैम क्या पीसीओडी में हम प्रेग्नेंट हो गए, मेरा 4 वीक है, मेरा 4 मंथ है, मेरा 3 मंथ 2 मंथ जो भी है, तो इसमें हम क्या दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, अगर ले सकते हैं तो कितने मात्रा में ले सकते हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत जनों ने पूछा है, तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है कि आपको ये चीज़ खाने से आपको पीसीओडी हो गया या फिर वो चीज़ छोड़ने से आपकी पीसीओडी ठीक हो गया। ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस है जो आपकी लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से होता है। मैक्सिमम आप सब जानते हो ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट भी आपको नहीं खाना है पीसीओडी में, और होता कैसे, आप जंक फूड खा रहे हो और घर का खाना नहीं खा रहे हो, बाहर की पिज्ज़ा बर्गर मैदे वाली चीज़ ये सारी चीज़ें खा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, घर बैठे बैठे टीवी देखते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, इस टाइप का जो आजकल का लाइफ स्टाइल हो गया है, हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल को सही करते हो तो पीसीओडी अपने आप ठीक हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल्क पीने से ही आपको पीसीओडी हो रहा है। अगर आपको पीसीओडी हो गया है तो आप डेयरी प्रोडक्ट को कंट्रोल करना पड़ता है आपको। ये आपको डॉक्टर भी, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो पीसीओडी के इलाज के लिए, तो ये डॉक्टर भी आपको स्पेशल बोलते हैं कि आपको डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही कम मात्रा में लेना है। ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना है, बस दिन में 2 सर्विंग ले सकते हो। जैसे कि आप दही ले रहे हो तो कटोरी में 1 कटोरी ले लिया, अगर दूध ले रहे हो तो 1 कप दूध ले लिया, इतनी मात्रा में आप ले सकते हो। नॉर्मल भी पीसीओडी को आप ठीक करना चाहते हो, पीसीओडी ठीक करने के प्रोसेस में हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे 1 कप दूध भी पी सकते हो और 1 कप दही भी खा सकते हो और घी वगैरह थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हो। इकट्ठे में बहुत सारी चीज़ें नहीं खाना है, जी चीज़ पनीर ये सारी चीज़ें होते हैं डेयरी प्रोडक्ट में आता है, ये सारी चीज़ें इकट्ठे में नहीं खाना है। अगर आपको पीसीओडी हो गया है और आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो प्रेगनेंसी में आपको हल्का फुल्का पहले ट्राइमेस्टर में आपको 3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पीसीओडी में बहुत ही ये चांसेस होता है कि आपके मिसकैरेज हो जाए। तो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अच्छे से ध्यान रखते हो, मिसकैरेज होने से बच जाते हो, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हो, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाते हो, जैसे मैदे वाली चीज़ आप ज़्यादा नहीं खा रहे हो, ऑयली वाली चीज़ ज़्यादा नहीं खा रहे हो, नमक वाली चीज़ आपको ज़्यादा नहीं खानी है, शुगर इंटेक आपको कम करना है बिल्कुल, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो। पीसीओडी में प्रेग्नेंट होना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत के बाद हम प्रेग्नेंट होते हैं, उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैदे वाली चीज़, तेल वाली चीज़, फ्राइड वाली चीज़, ये सारी चीज़ें आपको कम खाना पड़ेगा। अगर आपको क्रेविंग हो रही तो आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, बट आप ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते हो। डेयरी प्रोडक्ट का भी सेम प्रोसेस है कि आप पी सकते हो, 1 कप दूध पी सकते हो, 1 कटोरी दही खा सकते हो। अब प्रेगनेंसी में तो हमें आयरन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप आराम से पी सकते हो। मैंने भी पीसीओडी में कंसीव किया था, मैंने भी उस टाइम पे दही दूध घी पनीर चीज़ सब कुछ खाया था, बट थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी मैंने कम कर दिया था। जब मुझे क्रेविंग होती थी तो मैं खा लेती थी, इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया मैंने। मैंने 1 कप दूध हमेशा पिया, रोज़ पिया, मतलब दूध पीती थी, और कभी कभी दही दूध पीने का मन नहीं हो तो दही खाती थी, और कभी कभी जैसे पिज्ज़ा बना लेती थी तो ऊपर से चीज़ डाल के खाती थी। इस टाइप से मैंने थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ खाया है पीसीओडी के प्रेगनेंसी में, मैंने हर चीज़ खाया है। बस ये चीज़ का मैंने ख्याल रखा है कि मैंने शुगर वाला चीज़ ज़्यादा नहीं खाया है, जैसे चीनी वगैरह ये वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने बहुत ही कम किया था। बेटे के टाइम तो 6-7 महीने के बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया था, इसलिए मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ा थोड़ा कम कम करके खाओगे तो आपकी क्रेविंग भी सही हो जाएगा, और आपकी जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस है और उसके कारण से जो मिसकैरेज होता है वो भी नहीं होगा। इसलिए आप निसंकोच आराम से 1 से 2 कप दूध पी सकते हो दिन में, अगर आपको पीसीओडी है और पीसीओडी में प्रेग्नेंट हो। बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अपने प्रेगनेंसी को जितना इंजॉय करते हो बच्चा उतना ही हैप्पी और अच्छा हेल्दी पैदा होता है। आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे
ये खाना है, ये नहीं खाना है, बस सब कुछ खाना है आपको, बट पोषण कंट्रोल करके थोड़ा थोड़ी चीज़ खाना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ सब कुछ खा सकते हो आप। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि दूध नहीं पीना है, दही नहीं पीना है, पीसीओडी में प्रेग्नेंट हो गए तो ये चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है। आप हर चीज़ कर सकते हो, बट कंट्रोल में करोगे तो आपको आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छा होगा। आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको कोई और भी सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछ सकते हो। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।